स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेपाल के काठमांडू में स्थित एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, जो बिल्कुल आपको शांति स्तूप के जैसा दिखाई देगा। इसका बनावट, अगर आप पशुपतिनाथ मंदिर घूमने आते हो नेपाल में, या पूजा करने के लिए आप दर्शन करने के लिए आते हैं पशुपतिनाथ मंदिर, तो आपको वहाँ से 5-6 किलोमीटर की ही दूरी पे मिलता है ये आपका जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप वहाँ से पूछ करके भी किसी ऑटो वाले से या फिर किसी लोकल लोगों से जानकारी लेकर के भी आप यहाँ घूमने आ सकते हो दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर जो है इसे काफ़ी यूनिक बनाता है खुद में, और इसी वजह से यहाँ पे लोग काफ़ी संख्या में आते हैं विजिट करने के लिए। और दोस्तों अगर आप नेपाल आ रहे हैं खास करके घूमने के लिए काठमांडू या फिर पोखरा, तो दोनों जगह से आपको काफ़ी सारी वीडियोज डिटेल्स के साथ हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप जा करके सर्च करके देख सकते हैं, और भी बहुत सारा वीडियो मैं बना करके डाल चुका हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप भी यहाँ घूमने आ रहे हैं तो, क्योंकि आपको हमारे वीडियोज से काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है मतलब काफ़ी अच्छा है, घूमना चाहिए, लेकिन जानकारी की कमी की वजह से लोग घूम नहीं पाते हैं। अगर आप पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के आते हैं तो वहाँ से बस बस 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। और इसी तरह का एक और है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यहीं काठमांडू में ही स्थित है दोस्तों, वो है आपका दरबार स्क्वायर। तो उसका भी वीडियो मैं बना करके डाल दूंगा अपने चैनल पे, तो वो भी जा करके आप देख सकते हैं। वो भी काफ़ी यूनिक है, वो भी अपने स्ट्रक्चर के वजह से ही काफ़ी फेमस है। और यहाँ जब अर्थक्वेक आई थी एक बार आप लोगों को याद होगा, तो काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उसमें यहाँ के कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट को नुकसान पहुँचा था। तो वो सारी चीज़ें जो है मेंटेन कर दी गई है कुछ कुछ, और कुछ कुछ अभी जो भी बचा है वो भी काफ़ी अपने आप में यूनिक है दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो ये भी आप बताइएगा कमेंट करके। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले दोस्तों, और साथ ही साथ अगर आप आ रहे हैं तो उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे दोस्तों। और ये सब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ इनका पूजा करने का जो प्रोसेस है उस तरह से वो तैयार कर रहे हैं, शाम में इनकी यहाँ आरती होगी। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।